गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सोमरफेल्ड मॉडल के बारे में देखा था कि सोमरफेल्ड ने द्विगंसी क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया जो कोश होते हैं ये भी उपकोशों में बटे होते हैं। एक कोश में एस पी डी एफ कोश हो सकते हैं, उपकोश हो सकते हैं। तो इसके बाद सोमरफेल्ड का मॉडल भी एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही प्रयुक्त होता है, सही है, जिस प्रकार से बोर मॉडल था। तो परमाणु की संरचना को समझने के लिए एक और सरल मॉडल दिया गया जिसे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं, तरंग यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। ये मॉडल दो सिद्धांतों के आधार पर दिया गया था। दो सिद्धांत कौन कौन से थे इसका, इसमें दो सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब ये दो सिद्धांत कौन कौन से था? पहला था डी ब्रोगली सिद्धांत या द्रव्य की द्वैत प्रकृति। डी ब्रोगली सिद्धांत या द्रव्य की द्वैत प्रकृति। एक तो ये दिया गया और दूसरा सिद्धांत था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों की सहायता से परमाणु का तरंग यांत्रिकी या क्वांटम यांत्रिकी मॉडल विकसित किया गया। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हमें इन दोनों सिद्धांतों को पढ़ना है। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? डी ब्रोगली सिद्धांत या द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आपको पता है प्रत्येक पदार्थ जो या तो कणीय प्रकृति दिखाता है या तरंगीय प्रकृति दिखाता है, या तो कणीय प्रकृति दिखाएगा या कणीय प्रकृति दिखाएगा। तो एक बार अपन कण और तरंग में अंतर देख लेते हैं। पार्टिकल और वेव्स में क्या अंतर होता है ये अपन देख लेते हैं। जो कण होते हैं ये स्थानीयकृत होते हैं, मतलब एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। कण स्थानीयकृत होते हैं, इनकी अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थिति होती है। स्थानीयकृत से मतलब इनकी अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थिति होती है। जब ये तरंगें वो स्थानीयकृत नहीं होती, तरंगें ऊर्जा की फॉर्म है ये,
ऊर्जा एनर्जी बहती है इनके जरिए, लेकिन ये स्थानीयकृत नहीं होती। तरंगे स्थानीयकृत होती है, स्थानीयकृत होती है। दो कण एक ही स्पेस में दो कण नहीं आ सकते बच्चों, मतलब उनका व्यतिकरण नहीं होता, दोनों मिल नहीं सकते, दोनों दो कण है जो, तो जो आपके कण है उनका व्यतिकरण नहीं होता, दो कणों का व्यतिकरण हमें एक साथ नहीं मिल सकते, करण नहीं होता। जबकि जो तरंगे हैं आप फिजिक्स में पढ़ोगे, चैप्टर आएगा आपका 11th या 12th में विवर्तन व्यतिकरण, तो वहां पर आप देखोगे जो तरंगे हैं वो आपस में मिलती हैं और उससे आप विभिन्न प्रभाव देखोगे। तो तरंगों का व्यतिकरण होता है, तरंगों का व्यतिकरण संभव है, इनको गिना जा सकता है कणों को। जबकि इनकी काउंटिंग नहीं हो पाई, इनको गिना नहीं हो सकता। कण और तरंग के कुछ गुण हैं। अब बात आती है अपने द्वैत सिद्धांत की, द्रव्य की द्वैत प्रकृति की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप देखते हैं अपन द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में। तो बच्चों इससे पहले जब बोर मॉडल मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश है जो कणीय प्रकृति भी दिखाता है और तरंगीय प्रकृति। इसके बारे में आइंस्टीन ने बताया था 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, एक कणीय और तरंगीय दोनों प्रकृति दर्शाता है। इसी से प्रेरित होकर 1924 में वी ब्रोगली नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना द्वैत प्रकृति सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश डबल नेचर दिखाता है, उसी प्रकार से जो ये गतिशील कण होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स भी, गतिशील कण भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। प्रत्येक कण से उनकी तरंग रिलेटेड होती है, प्रत्येक गतिशील कण से क्या होती है, उनकी तरंग संबंधित होती है। तो ये तरंगीय और कणीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो गतिशील कण तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, मतलब प्रत्येक गतिशील कण से तरंग का उत्सर्जन होता है, उस तरंग की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है, प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए इन्होंने आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध लिया, E बराबर एमसी स्क्वायर, ये आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। और आपको पता है किसी तरंग की ऊर्जा E बराबर में एच सी अपॉन लैम्डा होती है,
ये तरंग सिद्धांत से, इन दोनों को बराबर आप करोगे समीकरण एक और दो मान लो इसको, एम सी स्क्वायर बराबर में एच सी अपॉन लैम्डा, सी से एक सी कट जाएगा बच्चों यहां पर, तो ये क्या बचेगा एम सी और ये बचेगा एच अपॉन लैम्डा, इनका पक्षांतरण करो तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा आपका एच अपॉन एम सी। तो ये तो आपका द्वैत प्रकृति होगी प्रकाश के लिए, यहां पर सी क्या है प्रकाश का वेग। अब इसी सिद्धांत को, इसी चीज को डी ब्रोगली ने आपके गतिशील कणों के लिए अप्लाई कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे जो सूक्ष्म कण होते हैं उन पर अप्लाई किया कि प्रत्येक कण से एक तरंग संबंधित होती है। तो सी की जगह यहां पर सी क्या है प्रकाश का वेग, तो इसकी जगह वी ले लिया गतिशील कण का वेग। अब इस गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूले में लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी कर, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया किसी भी गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। और एम वी बराबर आपको पता है, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग होता है, जिसे अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लेकिन ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत में अभी अपन देखेंगे कि जो सूक्ष्म कण होते हैं जिनका द्रव्यमान कम होता है उन्हीं पर ये लागू होता है, जिनका द्रव्यमान बड़े जो पिंड होते हैं जिनका द्रव्यमान अधिक होता है उनकी तरंग दैर्ध्य का मान कम हो जाता है और वो प्रेक्षित नहीं होता, इसलिए बड़े कणों पर लागू नहीं होता। लेकिन छोटे कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या ये अच्छे से कर देता है। और इनसे जो तरंगें निकलती हैं वो द्रव्य तरंगें कहलाती हैं। प्रत्येक गतिशील कण से जो तरंग उत्सर्जित होगी उसी तरंग को अपन क्या बोलते हैं द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंग। कोई पूछता है कि द्रव्य तरंग क्या है, तो द्रव्य तरंग क्या है गतिशील कण से जो तरंग उत्सर्जित होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग है जो को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये संचरित नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता। अच्छा, जो आपका प्रकाश है या विद्युत चुंबकीय विकिरण थी, विद्युत चुंबकीय विकिरण तो बिना माध्यम के भी संचरित हो जाती है, लेकिन कण से उत्सर्जित तरंग के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होगी। और यह प्रकाश के वेग से गतिशील नहीं होती, प्रकाश के वेग से नहीं चलती, उससे कम वेग से चलती है, प्रकाश के वेग से गति नहीं करती, नहीं करती। बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपका द्वैत प्रकृति सिद्धांत है। हाँ हाँ। इसमें यही है कि प्रत्येक गतिशील कण है जो कणीय प्रकृति तो दर्शाता है, साथ में इनसे तरंग का उत्सर्जन होता है, तो ये तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। इसे नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।